एक पॉइंट पे अगर आके प्रोग्रामिंग में ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर वहां से पूरा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वहां से आप खुद भी कोशिश करना छोड़ देता है इंसान। हाँ सर, मतलब उदयपुर में इतने साल से रह रही हूँ और पापा भी फिर उसी जगह थे, तो उन्होंने भी इसी जगह को प्रेफर किया। जब मुझे कोडिंग और इस सब में इंटरेस्ट था और पढ़ना था, तो उन्होंने भी यही कोई प्रेफरेंस दी। पापा का यही था कि हर चीज में 100% एक्यूरेसी दे ही रहे हैं, तो यही बेस्ट है, यही सही फोर्स करना चाहिए। नहीं तो सर, एनीवेज ऑनलाइन बहुत दूसरी जगह भी हैं, बट वो इतना एफिशिएंट नहीं होता है, और इसलिए तो फिर यही बेस्ट था। सर डेफिनेटली क्वालिटी एजुकेशन बेटर है, और दोनों चीजें ही साथ में मिल रही थी सर। मतलब मेरे को फीजिबल अमाउंट में ही कोर्स का जो फीस था वो था, बिल्कुल फीजिबल था, और सही क्वालिटी एजुकेशन तो थी। सी में भी मेरे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, मैंने सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज में सी पढ़ी थी, और सी में भी मैं बिल्कुल मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकती थी कि मेरे को सी भी आती है, बट सर ने तो सीधा मेरे को जावा के थ्रू ही मेरे सारे बेसिस क्लियर कर दिए, सारे फंडामेंटल्स मेरे अब क्लियर है, तो अब ज्यादा कॉन्फिडेंस है इस चीज में। यस सर, अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस कर रहे हैं और पाइथन कर रहे हैं। यस सर, समझ भी सर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने जावा कर रखी है सर से, तो वो मेरे वहां से बिल्कुल मुझे ऑलरेडी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो तो सारी ऑलरेडी पता है, बस सिंटेक्स अलग होता है तो याद हो जाता है, पर अदर देन दैट तो सारा दोनों पाइथन भी आ रही है और सी प्लस प्लस भी आ रही है बिकॉज जावा मैंने सीख ली है। एक पॉइंट पे अगर आके प्रोग्रामिंग में ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है उस पॉइंट पे, तो फिर वहां से पूरा इंटरेस्ट लूज हो जाता है, वहां से आप खुद भी कोशिश करना छोड़ देता है इंसान। तो फिर फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, बहुत कुछ बेसिक चीजें होती है जिनके आप कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं तो फिर नहीं हो पाती है कोडिंग, कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाता है। अगर मतलब फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट्स, तो फिर हो जाता है, लॉजिक बन जाता है। यस सर डेफिनेटली, इवन टुडे मतलब एवरी डे जब क्लास होती है हमारी कॉलेज में जो रिकॉर्डिंग होती है, तो उसमें भी जब सर क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं ही आंसर्स देती हूँ बिकॉज मेरे को सब ऑलरेडी सब चीजें क्लियर है, और विद इन अ सेकेंड मैं आंसर दे देती हूँ, मुझे कॉपी भी नहीं खोलनी पड़ती है, कुछ रिवाइज भी नहीं करना पड़ता है, तो सब पूछ ही लेते हैं मेरे से कि कहाँ से पढ़ा कहाँ से पढ़ा, तो अच्छा डिस्कशन है डेफिनेटली। तो जैसे ही टेस्ट होता था उसके बाद सर से जो भी चेक्ड पेपर होता था वो मैं अपने पेरेंट्स को डेफिनेटली दिखाती थी, और फिर वो सिग्नेचर करते थे उसमें, वो भी देखते थे कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हुई है, मेरे से बात करते थे उस बारे में, तो उनके साथ भी डिस्कशन होता था। सर नहीं, कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि मैं हाइपर हो जाऊं या फिर सर हाइपर हो, दोनों की तरह से सर भी बिल्कुल कूल बिहेव करते थे मेरी, क्योंकि मुझे समझ आता था हर चीज में ही और सारे मेरे सर डाउट्स भी क्लियर करते थे, तो सर हाइपर तो कभी आया ही नहीं पिक्चर में। सर इंटरेस्ट तो वैसे भी तभी आता है अगर चीजें समझ आ रही, तो एनीवेज इंटरेस्ट आ जाता है, तो अगर डेफिनेटली अगर इजी वे में चीजें एक्सप्लेन हो रही है, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, सब चीजें इजीली समझ आ रही है, तो सर डेफिनेटली इजीली उसका आउटकम ही इंटरेस्ट है फिर। हर चीज से ही मेरे को सपोर्ट मिला है, मतलब पढ़ाई तो हम करते ही थे सर, और दूसरी चीजों में भी सर हेल्प कर देते थे, और
सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे बिल्कुल क्लियर हो गए थे उसके बाद। और मतलब लाइक मेरे को तो पहले यही लग रहा था बिकॉज कि मेरे को सी का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था नहीं और मैं सीधा जावा पे जंप कर रही थी, तो वो जंप मेरे को थोड़ा डरा रहा था कि क्या पता क्या चीजें नहीं आएंगी क्या चीजें नहीं। अब जावा हो गई तो अब ऐसा लगता है सी प्लस प्लस भी आ गई है।